हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर टेक्निकल प्रज्वल में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि 18 का जो मॉड्यूलर आता है उसकी आज पूरी वायरिंग हम देखने वाले हैं। उसमें हमने एक MCB यहाँ पर लगाया है, उसके बाद एक इंडिकेटर लगाया है, और यहाँ पर हमने फाइव पिन सॉकेट लगाए है, और फाइव हमने स्विच यहाँ पर लगाए। तो चलिए गाइज, हम इस वायरिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले गाइज यहाँ पर 3 कलर के वायर हम यहाँ पर यूज़ करने वाले, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। रेड हम लाइन के लिए और ब्लैक न्यूट्रल के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले। उसके बाद जो ग्रीन है वो हमारे अर्थिंग के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले। तो चलिए गाइज, हम हमारे वायरिंग को स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना है, और उसके बाद ही आपको पूरी वायरिंग यहाँ पर समझ में आएगी। तो चलिए गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले लाइन, जो हमारे लाइन का कनेक्शन होता है, लाइन टर्मिनल का, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो 5 स्विच आपको स्विच यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उन 5 स्विच का हम यहाँ पर वायरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे 5 स्विच है उन सभी को हमें यहाँ पर कॉमन कर लेना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर रेड वायर ले लिया है। उस वायर को अभी ये दो जो स्विच है उन दोनों स्विच में हम लोगों को कनेक्ट करना है। तो गाइस, इस तरीके के साथ आप लोगों को इन दोनों स्विच को यहाँ पर कॉमन कर लेना है। इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर टाइट कर लो। उसके बाद यही वायर आपको ले लेके जाना है, और जो यहाँ पर ये दो स्विच दिखाई दे रहे हैं उन दोनों स्विच को यहाँ पर कॉमन कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पर हमने ये दो स्विच को कॉमन यहाँ पर कर लिया है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ये जो हमारे दो स्विच है उन दोनों स्विच को भी यहाँ पर हमें कॉमन कर लेना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर वायर निकाल लिया है। तो गाइस, इस तरीके से उन दोनों को हमने यहाँ पर कॉमन कर ले लिया है। उसके बाद एक वायर ले लेना है आपको, ये स्विच और ये जो हमारा आखिरी वाला स्विच है उसको भी इसके साथ कॉमन कर लेना है। उसके लिए हमने एक वायर इसमें इस तरीके साथ आपको कनेक्ट कर लेना है। उसको अच्छी तरीके के साथ यहाँ पर टाइट कर लेना है। तो समझ लो, और तो मज़ा आएगी बंद कर। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, और जो हमारा आखिरी वाला जो स्विच है उसको भी हमें कॉमन कर लेना है। इस तरीके के साथ। तो गाइज, यहाँ पर हमारा जो कॉमन करने का रहे था हमारे स्विच को, वो पूरा यहाँ पर हमने यहाँ पर इस तरीके के साथ सभी स्विच को यहाँ पर हमने कॉमन कर लिया है। तो गाइज, यहाँ पर हमने कॉमन कर लिया है। उसके बाद हमारे जो स्विच और जो MCB रहता है उसको हमें यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। उसके लिए हमने एक वायर ले लिया है। उसको हमने जो लास्ट वाले जो हमारा ये था स्विच था उसके साथ उसको MCB को यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। तो गाइज, यहाँ पर जो हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर का भी एक वायर हमको यहाँ पर इस तरीके से साथ कनेक्ट कर लेना है, और उसको उन दोनों वायर को हमारे जो MCB का ऊपर वाला जो पॉइंट रहता है उसको लोड बोर्ड बोलते हैं हम, उस लोड वाले पॉइंट पर हमें यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है इस तरीके के साथ, और उसको अच्छी तरीके के साथ यहाँ पर टाइट कर लेना है। तो गाइज, यहाँ पर हमारा जो लाइन वाला पूरा कनेक्शन यहाँ पर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो फ्रेंड, उसके बाद हमने यहाँ पर जो 500 स्विच है उसको हमने यहाँ पर कॉमन कर लिया है। उसके बाद हमने एक वायर लेके ये जो हमारा 5 नंबर का स्विच है उसको और जो हमारा MCB है उसको उसके साथ कनेक्ट कर लेना है, और हमारा जो इंडिकेटर है इंडिकेटर का एक वायर भी हमको MCB के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है।
तो गाइज उसके बाद हम यहाँ पर हमारा जो सॉकेट रहती है उसको हम यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्शन करने वाले हैं। तो हमारे पास जो जितने भी 5 सॉकेट है ना, उस सभी सॉकेट को हमें यहाँ पर कॉमन कर लेना है। उसके लिए हमने यहाँ पर एक ब्लैक वायर ले लिया है, उसको अभी हम क्या करेंगे, जो जितने भी हमारे सॉकेट है उन सभी सॉकेट में यहाँ पर कॉमन कर लेंगे। तो चलिए गाइज उसको हम यहाँ पर कॉमन करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये सॉकेट है उसको हम इस तरीके के साथ यहाँ पर वायर हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर उस वायर को टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर हम आप लोगों को टाइट कर लेना है। उसके बाद जो हमारा ये सेकंड सॉकेट है उसको भी हम यहाँ पर वायर के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमने यहाँ पर पूरा न्यूट्रल कनेक्शन कर लिया है। जो हमारा इंडिकेटर का एक दूसरा वायर था उसको हमने यहाँ पर हमारा जो न्यूट्रल का पॉइंट था 5 पिन सॉकेट का उसके साथ यहाँ पर हमने कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो हमारे 5ों जो सॉकेट है उन सभी को हमने यहाँ पर एक साथ यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद हम स्विच एंड सॉकेट का जो कनेक्शन है वो देखेंगे। उससे पहले गाइज हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे जो 5 पिन सॉकेट है उसको हम पूरी तरीके से यहाँ पर अर्थिंग का कनेक्शन यहाँ पर कर लेना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ग्रीन वायर ले लिया है, उसको हमें सभी जो हमारे 5ों सॉकेट है उन सभी को यहाँ पर एक साथ कॉमन करना है। तो चलिए गाइज उसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमने जो हमारा अर्थिंग था मतलब ग्राउंड का जो कनेक्शन था यहाँ पर हमने यहाँ पर पूरा कर लिया है। आप देख सकते हो कि हमने जो 5ों सॉकेट है उन सभी को यहाँ पर एक साथ यहाँ पर हमने कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो हमारे सॉकेट और स्विच का जो कनेक्शन रहता है वो करेंगे अभी हम। तो गाइज यहाँ पर हमने एक वायर ले लिया है, उसको हमारा जो स्विच है स्विच और जो हमारा सॉकेट है उसके साथ हम लोगों को कनेक्ट कर लेना है। तो अभी हम कनेक्ट कर लेते हैं उसको। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्विच है उसको भी हम लोगों को कनेक्ट कर लेना है। तो गाइज उसके बाद जो हमारा तीसरा स्विच है और जो हमारा तीसरा सॉकेट है उसको भी हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पर हमने जो हमारा चौथा सॉकेट और स्विच है उसको भी हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद तो गाइज ये हमारा जो लास्ट वाला स्विच था उसका भी हमने यहाँ पर उसके साथ भी हमारा वायर यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। तो गाइज यहाँ पर हमारी पूरी वायरिंग यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी गाइज आपको यहाँ पर हम पूरा बोर्ड यहाँ पर चालू करके आपको बताते हैं। गाइज यहाँ पर हमारा कनेक्शन पूरा हो गया था, लेकिन जो हमारा लाइन का जो MCB का कनेक्शन था वो बाकी रह गया था। तो हम यहाँ पर हमारा जो लाल वायर है वो हम यहाँ पर कनेक्शन यहाँ पर कर देते हैं और MCB के उस कनेक्शन को यहाँ पर अच्छी तरीके से टाइट कर देते हैं। तो चलिए गाइज इस बोर्ड को अभी टेस्टिंग करते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमने वायर को यहाँ पर पिन से आप लोग सप्लाई के साथ कनेक्ट कर लिया है। उसके देखिए गाइज यहाँ पर हम ऑन करते हैं हमारा MCB।
तो गाइज यहाँ पर हमारा जो इंडिकेटर है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि आपको यहाँ पर इंडिकेटर चालू हो गए। अभी हम यहाँ पर हमारा स्विच ऑन करते हैं तो देखिए हमारा मोबाइल भी चालू हो गया है, मतलब हमारा पूरा बोर्ड या हमारी वायरिंग बिल्कुल भी सही है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।